जब भी नाम आता है क्रेडिट कार्ड तो हमारे मन में ऑफर ही ऑफर आते हैं। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जहां पर आपको काफ़ी सारा फीचर्स मिलते हैं और आपको उधारी में पैसे खर्च करने का मौका मिलता है, जितना आपका लिमिट हो उतना। सो इस वीडियो में आपको पेटीएम एप्लीकेशन से कैसे आप एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, मैं इसका कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप जैसे नीचे आ जाएंगे आपको एक सेक्शन मिलेगा लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन होगा क्रेडिट कार्ड्स का, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपके सामने आपका पैन कार्ड का डिटेल्स आएगा, आपका नाम भी आ जाएगा, आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नीचे आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा जिसको यहाँ पर डाल के वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपका डिटेल्स आ जाएगा। इसके बाद जैसे आप नीचे आ जाएंगे ऑक्यूपेशन डिटेल्स में क्लिक करेंगे, आप क्या काम करते हो, सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर अपना बिजनेस या फिर शॉप का नेम डालेंगे, कौन सा पोस्ट में है यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे एड्रेस डिटेल्स में आपके आधार कार्ड के साथ कौन सा एड्रेस लिंक्ड है, यहाँ पर ऐड आधार डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड में कौन सा एड्रेस मेंशनड है, यहाँ पर डिटेल्स में एंटर करेंगे। इसके बाद सेव आधार एड्रेस पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है उस एड्रेस में फिलहाल अभी है क्या, अगर है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो। इसके बाद रेसिडेंस टाइप में यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका खुद का है क्या या फिर रेंटेड है, फैमिली ओन्ड है, PG एकोमोडेशन है, कंपनी प्रोवाइडेड, यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डन, इसके बाद सबमिट। आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, अभी ये वेरीफाई कर रहे हैं क्या आप एलिजिबल हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, जो कि पेटीएम HDFC बैंक टाइप वाला क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज आ चुका है, वेल डन योर पेटीएम HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड इज ऑलमोस्ट रेडी। इसके बाद अगर आपको बेनिफिट चेक करना है तो व्यू कार्ड बेनिफिट्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसका कैशबैक कितना आएगा, ट्रैवलिंग करने पर, मूवी देखने पर या फिर स्पेंड करने पर, कौन सा एप्लीकेशन में कितना या फिर शॉपिंग करने पर कितना आपको ऑफर मिलेगा, आपके सामने यहाँ पर सामने ही दिया गया है। यहाँ पर जीरो रिन्यूअल फीस है, आपको रिन्यूअल फीस देना नहीं है। इसके बाद फॉइल सरचार्ज वेवर में भी आप यहां पर ₹250 आपको अप टू मिलेगा। इसके बाद ऐड ऑन कार्ड में कम से कम 4 फ्री ऐड कार्ड कर सकते हैं। तो हम यहां पर कंटिन्यू माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, आपके डिटेल्स को यहां पर फिल करेंगे, आपका माँ का नाम यहां पर फिल करेंगे, ऑफिस डिटेल्स में आपका ऑफिस का एड्रेस जो भी होगा यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, आपका एनुअली टर्नओवर कितना है यहाँ से आप डालेंगे। इसके बाद ऐड बिजनेस एड्रेस पर क्लिक करके आपका जो बिजनेस सेंटर है यहाँ से ऐड करेंगे। इसके बाद स्टार्ट माय वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएगा, स्टार्ट माय वीडियो वेरिफिकेशन, इसके बाद नीचे है मोबाइल नंबर नॉट लिंक्ड विथ आधार। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डोर स्टेप आपके घर में आके वेरीफाई करेंगे। लेकिन अगर आप वीडियो वेरिफिकेशन करेंगे तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपको हाथ में लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एग्री पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर देखिए आधार नंबर है, आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर में OTP आएगा, OTP डाल के वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अभी आपको अपना पैन कार्ड को हाथ में लेना होगा बोल रहा है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट माई वीडियो वेरीफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस पर अलाउ कर लेंगे। अभी जैसे कि वीडियो KYC सर्विस अनअवेलेबल आ रहा है क्योंकि मैं रात के टाइम कर रहा हूँ। इसके बाद आपका नेक्स्ट अगला स्टेप आ जाएगा, आप वहाँ पर कंप्लीट जैसे ही करेंगे आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा पेटीएम और HDFC बैंक की तरफ से, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड को यूज करने से पहले उसका टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ना होगा ताकि आपका पैसा ना कटे या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी कर देंगे उसके बाद पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपको आने वाले समय में काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि एक तरह का ये लोन है। क्रेडिट कार्ड में जो भी आप यहां पर अमाउंट पहले से ले लेते हैं एक तरह से आप उसे लोन कह सकते हैं, तो वो सारे पैसे आपके पैन कार्ड में ही शो होता है। जब भी आपको पैन कार्ड का डिटेल्स चेक करना होगा सिबिल स्कोर में तो सारा डिटेल्स आपका कैच हो जाता है। सो इस तरह से अगर आपको पेटीएम एप्लीकेशन के जरिए क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है तो ये प्रोसेस से कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अभी तक आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा।